right now we are not circulating this print edition temporarily, but let's come recover from COVID-19. We are coming with the print edition too. Behalf of team Double Helical, I welcome to all of you, all our renowned participants, speakers, experts, and RWH Federation members and audience. This is the third edition of our webinar on topic role of RWH in preparing challenge COVID-19. I expect all of you enjoy the today event of our webinar and spread the message among the masses. Now hand over to Dr. Giridhar Gyani ji. नमस्कार अमरेश तिवारी। नमस्कार। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी आर गोइंग टू रीच टू द ग्रास रूट लेवल। आरडब्ल्यू जो है हमारी ग्रास रूट होती है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है वैसे शहरों में होती है। और आज का जो टॉपिक हमने रखा है बेसिकली ओवरऑल अवेयरनेस लानी है कोविड के बारे में, निदान के बारे में, समस्याओं के बारे में। तो बेसिकली हमारे जो एक्सपर्ट हैं दो, डॉक्टर सुनीला एंड डॉक्टर संजीव सिंह। डॉक्टर गर्ग जो है वो तो आप जानते ही हैं, शी इज अ प्रोफेसर हमारे सारे दोनों पुराने जो हमारे वेबिनार हुए उसमें शी वाज देयर। शी इज प्रोफेसर ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन और ये सब्जेक्ट इतना रिलेवेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, तो शी विल बी मेकिंग द ओपनिंग, उनकी टॉक उनकी होगी। एंड देन फॉलोड अप बाय डॉक्टर संजीव सिंह जो के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के और इन्फेक्शन कंट्रोल के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, माने रादर एक्सपर्ट हैं। एंड सो बोथ ऑफ देम विल बी कवरिंग दिस टॉपिक। देन वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर गहलोत, उनको इसलिए बुलाया है कि जो होम केयर है, होम हेल्थ केयर है, उसका भी बड़ा योगदान है आज के तारीख में, पर्टिकुलरली फॉर द आरडब्ल्यूएस। ही विल बी अवर थर्ड एक्सपर्ट स्पीकर। इसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास आज बहुत रिच पूल है, स्टार्टिंग विद डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एक्स डीन ऑफ द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर विजय अग्रवाल, ये हमारे जो अक्रेडिटेड हॉस्पिटल की बॉडी है उसके प्रेसिडेंट हैं काहो के। एंड डॉक्टर राजीव सूद, आरएमएल के जो हेड हैं, ही विल बी sharing his experience, I think with very valuable experience of his own. So I think with this we will be having a very rich webinar, I will say. Itne expert ek webinar mein kabhi ikatthe nahi hote hain. Main thoda sa background dena chahunga ke RWA mein, kyunki main khud ek RWA ka president hu, RWA mein ek element of fear hai, bahut suspicion hai कि कोई एक अगर आजकल रेजिडेंट हो जाता है विक्टिम, उसका इंफेक्शन हो जाता है, बहुत हाई तबा मच जाती है। अब ये धीरे धीरे हालांकि ये सामान्य होने लगा है क्योंकि द रेट एट विच इंफेक्शन इज गोइंग अप, क्योंकि आज की तारीख में जैसे 3,95,000 लोग इन्फेक्शन हो चुका है इंडिया में और 12,970 लोगों की डेथ हो चुकी है, तो हम बहुत ही बड़ी लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। एक छोटी सी तसल्ली की बात यह है कि डबलिंग रेट जो है हमारा अब 16 दिन हो गया है, कुछ दिन पहले 12 दिन था, अब 16 दिन हो गया, तो थोड़ी सी उम्मीद है कि हम लोग शायद पीक पे पहुंचने की तरफ जा रहे हैं एंड फिर हो सकता है कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। नाउ आज का टॉपिक मैं डॉक्टर सुनीला गर्ग को एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन से शुरू करूंगा। हमारे आरडब्ल्यू की जो परेशानी है वो मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर, ये कभी सोचा नहीं गया था कि दिल्ली में भी बेड्स की कमी आ जाएगी। दिल्ली ऐसा माना जाता है कि एक ही ऐसा देश प्रदेश है देश में जिसमें जो है बेड कैपेसिटी तकरीबन 3 के बराबर है, 3 per 1000, जबकि इंडिया की जो है हमारी 1.2 बेड्स पर 1000 है। 57,000 बेड्स दिल्ली में है जिसमें 11,600 दिल्ली गवर्नमेंट के हैं
आई थिंक 12-13 हजार के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो आई थिंक डॉक्टर सुनील अगर खुद जानती होंगी, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत एस्टिमेट से मैं कह सकता हूँ कि 25,000 से ज्यादा बेड हमारे पास है। अब इतने बेड होने के बाद ये कभी सोचा नहीं गया था कि दिल्ली विल हैव प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ बेड्स, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं नंबर बढ़ता जा रहा है और आई डोंट नो 20,000 से ज्यादा क्वारंटाइन बेड्स क्रिएट कर दिए गए हैं, सो मेनी होटल्स नाउ हैव बीन अक्वायर्ड और हैव बीन अटैच्ड टू द हॉस्पिटल्स, वो एडिशनल क्वारंटाइन बेड्स आपके पास हैं, उसके बाद भी आई थिंक वी आर फाइंडिंग द शॉर्टेज एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ टॉक दैट कैन आरडब्ल्यूए आल्सो कंट्रीब्यूट बाय कन्वर्टिंग देयर कम्युनिटी हॉल्स इनटू सम काइंड ऑफ क्वारंटाइन सेंटर्स। तो ये टॉपिक मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुनीला अगर थोड़ा सा इसको टच करें, डॉक्टर संजीव सिंह जी आ गए हैं वो भी इसको टच करें, और उसके बाद गौरव ठुकराल से भी मैं उम्मीद करूंगा कि इस जमाने में इनकी कंपनी जो है होम हेल्थ वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन रियल टर्म्स एंड रिड्यूस द फियर साइको अमंग द यू नो रेजिडेंट्स। बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि हम आप जो तीन एक्सपर्ट हैं वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट करें अमंग द आरडब्ल्यूएस कि देयर इज नथिंग टू वरी, हाउ कैन यू फेस इट। तो ये भी जानना चाहते हैं लोग ये फैलता कैसे है, और अगर उसके बाद इंफेक्शन हो जाता है तो हम इसका बचाव करने के लिए हमारे पास क्या साधन है। दे वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन क्वारंटाइन आइसोलेशन एंड यू नो देन माइल्ड केस किसको कहते हैं, मॉडरेट केस किसको कहते हैं, या क्रिटिकल केस किसको कहते हैं, ये सब इन सिंपल लैंग्वेज बिकॉज आप लोग जो है यू आर यूज टू इंटरेक्टिंग विद द मेडिकल्स ऑल द टाइम, सो दिस इज द टाइम यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर लेवल एंड एड्रेस टू द कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं on this very issues. So I think with this background, I will invite Professor Sunila Garg to initiate the discussion and give a formal talk, followed up by Dr. Sanjeev Singh and then Dr. Gaurav Puran. Dr. Sunila. Yeah, thank you so much. Actually, my talk will vary from, you know, RWAs, their successes, how the creation was, but it is also because it is important to know. Then I will come to what all roles ये जो COVID-19 में RWS का important role है वो क्या role play करते हैं, और second चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगी कि guidelines government की बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, but we have to think of कि हमारा लक्ष्य क्या है, ultimately what we can do in this COVID-19 pandemic, but you see we have to think of the situation, pandemics will come and go. You see, like we had earlier pandemics also, they'll come and go also, and residents have gotten very important role to play. So let me start with what, you know, exactly are these, you know, RW associations and what is their importance. So can you see the PPT? Yeah. And I will just make it onto slideshow and then. Is it okay? Yes, please. So, एंड मेरी आवाज क्लियर है सबको? बहुत क्लियर है, वेरी नाइस। सो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो अर्बन एरिया है चाहे वो सब अर्बन एरिया है, एंड एस्पेशली इंडियन सिटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप वॉलेंट्री है, पर एसोसिएशन किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेंबर बन जाए एंड पे द फी, बट कैन सस्पेंड द सर्विसेज टू द नॉन पेइंग मेंबर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन दीज आरडब्ल्यूएस, इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 में हुआ था, इन एवरी स्टेट द एक्ट में है स्टेट लेवल अमेंडमेंट्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनके अमेंडमेंट्स जो है डिफरेंट स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं। सो इसके जो गवर्नेंस है, RWAs are governed by constitutional documents, जिसको कि हम कहते हैं memorandum of association, जिसके कि कुछ objectives होते हैं उसके तहत में और उसके कुछ कार्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं जो कि resident welfare association को achieve करने होते हैं। और ये हमें याद रखना है कि ये voluntary association है, that is made by the residents, and then they do not have any statutory or legal powers, I can say that. So resident welfare associations are important part of community living. Number one thing, these bodies manage day-to-day issues faced by the residents,
conduct events or even awareness programs, maintain the facilities of the apartment complexes or the residences or bungalows, and protect the rights of apartment owners. So more so it is true in context of the gated societies, which all of you can see. So jahan pe societies gated hai, wahan pe RWS ka implementation aur bhi structured aur streamlined ho jata hai. So information availability, niche aap dekh rahe honge, teen gole hain. Information availability, transparency, accountability. Ye important roles hai resident welfare association. Despite the presence of resident welfare associations in slums, unauthorized colonies, government programs aimed at involving resident association in the strategic governance decision, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा कहने का मतलब है चाहे वो slum areas है, unauthorized colonies है, चाहे government programs है, उनको हमने बहुत सारी schemes में involve किया है. मेजर जैसे कि दिल्ली की भागीदारी स्कीम है, धीरे धीरे इनको हम म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं सन 2000 से. एंड इसके साथ साथ हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है. एक मेजर जो कॉन्फेडरेशन ऑफ RWS है, जिसको कि हम कॉर्बा बोलते हैं, दैट इज द मेजर एपेक्स बॉडी ऑफ RWS, जिसका की स्थापना 2012 में हैदराबाद में हुई थी. एंड जब से ये बनी है, इट हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स in playing a key role across the length and breadth of the country. Then CORWA transformed RWS to a policy making body in major issues. जैसे मैं आपको कह रही थी, इसके तहत में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जैसे कि solid waste management, RERA act implementation, right to information, housing society problems, pollution and other issues of urban environment. These all have been successfully addressed by resident welfare associations. Then in the year 2012, resident welfare associations की पहली national conference हुई थी, which brought prominent resident welfare associations across the country onto a platform to discuss issues and to showcase also the success stories. During the conference, it also endorsed the idea to have a organization at the national level and to take it forward as a RWA movement. So अब ये एक तरह की आप कहेंगे कि ये मुहिम बन गई है RWA level pe. So with the set goal, once again RWAs have met and formed interim national RWA body at Noida, UP the year 2013, and since then they are having regular conferences, and successfully two conferences were also held in Bangalore in the year 16 and 17 also. Now RWA success story aap sabko malum hai ki Indore mein bahut bada contribution raha hai in cleanliness and conducting drives under Swachh Bharat Mission, or consecutively Indore ko repeatedly prizes milte gaye hain in subsequent years regarding cleanliness and awareness drives. But unfortunately now Indore is also suffering, you know, or heavily loaded with COVID-19. Again I will say that Ministry of Urban Development released the names of such societies who are carrying out the exemplary work under Swachh Bharat Mission and were appreciated by the Prime Minister. Now coming to COVID-19 and resident welfare associations, COVID-19 has been affecting the local communities, as Dr. Gyani already said, on a larger scale. And day by day, जैसे जैसे हमारी testing बढ़ती जा रही है, क्योंकि disease का nature ऐसा है, by and large, the 85 to 90% of the individuals are apparently asymptomatic, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं होता. About 10% of the individuals are there, जिसमें 5% ऐसे हैं जिनको लक्षण होता है, and 5 से नीचे हम कहेंगे कि जो सीरियस होते हैं, और सीरियस भी वो होते हैं जो कि वो मॉर्बिड कंडीशन से सफर करते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह. एज ऑफ जून 20th, आज ऑलरेडी डॉक्टर ज्ञानी ने बताया, हमारे पास में 3,95,812 केसेस हैं भारत में पूरे, और 12,970 डेथ्स हैं. बट देन हमने धीरे धीरे दिल्ली में अगर हम देखें और पूरे भारत में, हमने स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्वेलेंस, यानी कि हमारी नजर पूरी हर एक कम्युनिटी पे रहनी चाहिए, हमें हर एक कॉन्टेक्ट को ट्रेस करना है और टेस्टिंग को बढ़ाना है, ये हमारे डिजीज को कंटेन यानी कि कंट्रोल करने में मदद करेंगी. सो इसको हम अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती,
ना ही अकेले प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल आज तक आप देखेंगे किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चाहे भारतवर्ष से हमारा पोलियो चला गया, उससे पहले स्मॉल पॉक्स चला गया, या हमारी नदियों को साफ रखना है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो हम इतनी बड़ी महामारी COVID-19 जैसे से भी नहीं, जिससे कि आज हम जूझ रहे हैं, उसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो RWS का जो चैनल है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, जिसके माध्यम से हम कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिजीज। हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कोई सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी और आपकी है, जिसको हमें मिलकर लड़ना है और जिसका हमें समाधान करना है। आप देखेंगे कि हम अल्टीमेटली किस चीज में हम हमारी भागीदारी रह सकती है। सबसे पहले तो COVID-19 और कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है इन जनरल, प्राइमरीली जैसे कि डॉक्टर ज्ञानी ने भी ऑलरेडी बताया कि हमें अवेयरनेस बेसिकली होनी चाहिए कि महामारी पर्सन टू पर्सन ये कैसे फैलती है, थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई छींकता है, कोई जोर से बात करता है, थूक के कण निकलते हैं जिसमें कि ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसमें कि वायरस की प्रेजेंस होती है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इससे इंसान अपने आप को कैसे बचा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है या फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, जो कि आज एक पॉपुलर वर्ड है, यानी कि 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, और इंश्योरिंग हाइजीन, जिसमें कि बार बार टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चरल चैनल भी है, वो भी आज ये बता रहा है करके कि बेसिकली हमें हाइजीन, स्पेशली हैंड हाइजीन एंड इवन पर्सनल हाइजीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, जिसको कि मैं बताती हूँ कि अल्टीमेटली हमें जो करना है प्राइमरीली हाथों को रगड़ना है, और हमें देखना है कि हमें साथ साथ इसको रगड़ना है, हमें पूरा अंगूठे को रगड़ना है, हथेलियों को रगड़ना है। सो ये अल्टीमेटली हमें पूरी तरह से देखना है और कि हमारी पूरी चीजें जो है, पूरा हाथ पूरी तरह से स्वच्छ हो, हम खुद स्वच्छ हो और आसपास स्वच्छता रखें। अनदर इम्पॉर्टेंट इश्यू इज वेयरिंग ऑफ मास्क। आप देखेंगे हम कहते हैं कि आज ये मास्क वर्ल्ड हो गया है। अवॉइडेंस ऑफ गैदरिंग्स, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट गैदरिंग, यानी कि कोई शादी विवाह का अवसर है या कोई और अवसर है जिसमें कि 50 से ज्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डेथ का ओकेजन है तो उसमें 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो। अब इसको कौन इंश्योर करेगा? इसको मैं और आप मिलकर इंश्योर करेंगे। इसको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी मिल जाती, क्योंकि इंसान की नेचर होती कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कोई हमारा रेगुलेशन करे। सो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का रोल बन जाता है कि वो हमारे बीच में, हमारा ही हिस्सा है, पर ये इन्फोर्समेंट में हमारी मदद करे। देन इंश्योरिंग आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, दो इंपॉर्टेंट शब्द डॉक्टर ज्ञानी ने प्रयोग किए थे। क्वारंटाइन का मतलब है कि इट इज एक्चुअली इक्वलेंट टू ये पीरियड है, वो इंसान इन्फेक्टेड नहीं है पर उसको हम अलग रखते हैं, अगर वो किसी के संपर्क में आया है पर उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको इन्फेक्शन हो गई है, पर उसको हम अलग रखते हैं उस समय तक कि जब तक वो उसके वायरस के पनपने का समय है, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं है पर इक्वलेंट टू इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वायरस का इन्फेक्ट करना और इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स आना, ये जो है 14 दिन का होता है जब COVID-19 इज। 7 दिन में इन्फेक्शन हो सकता है परंतु क्वारंटाइन पीरियड जो है इसका 14 दिन का है। आइसोलेशन उनको हम करते हैं जो कि इन्फेक्टेड है और जो कि दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि और बहुत कॉमनली सुना होगा कि हमारे पास में कुछ एरियाज हैं जो रेड जोन्स हैं, ऑरेंज जोन्स हैं, ग्रीन जोन्स हैं। रेड जोन्स वो हैं जिनमें लगातार हमारे केसेस आ रहे हैं, तो उनमें हमारी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं, तो इन पाबंदियों का प्रॉपर तरीके से हम पाबंदियों को लागू कर सकें तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। अब कम्युनिटी सेटिंग में हम देखेंगे
कम्युनिटी सेटिंग में आज की डेट में हम सब बार बार ये आ रहा है कि हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। केंद्रीय सरकार ने भी बोला है, स्पेशली दिल्ली की टेस्टिंग बहुत कम है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग जो है रिक्वायर्स रैंडम सैंपलिंग ऑफ हाउसहोल्ड्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैं पहले घर में जाऊंगी, दूसरे में जाऊंगी, तीसरे में जाऊंगी, मुझे ये सैंपल लेना है कि मुझे पता चल जाए कि रोहिणी में कितनी इन्फेक्शन है या गाजियाबाद में कितनी इन्फेक्शन है, नोएडा में कितनी इन्फेक्शन है। इसके लिए मुझे घर घर जाने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं इतने घर को लूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि नोएडा में लगभग इतने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये हो सकता है कि आप मेरे घर आए, मैं कह दूं कि मैं नहीं कराना चाहती, परंतु मेरा घर तो सैंपल में आया हुआ है। तो इसके लिए मुझे जो है कोऑपरेशन देने की भी जरूरत है। अगर मैं कोऑपरेशन नहीं देती तो यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड देन ऑल्सो जो मेरी टीम आती है यहाँ पे चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, उनको हम लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो टेस्ट को अच्छे से कर सके। उनको कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है, उनको वहां पे स्कूल की जरूरत है, उनको आंगनवाड़ी की जरूरत है। ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है कि हम उनको जो भी उनको चाहिए टेस्टिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स, उसका हम उनको टाइम टाइम पे जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। तो रैंडम सैंपलिंग जो है आसानी से की जाती है वोटर लिस्ट के द्वारा या इलेक्टोरल रोल्स के द्वारा, परंतु फिर भी इसमें दिक्कतें आती हैं क्योंकि लोग हमारे इजीली कन्विंस नहीं होते। सो दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस। अगेन वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट समटाइम्स यू नो देर आर नॉट इनफ पर्संस टू कंडक्ट द टेस्ट एट ए स्केल, एंड ऑफन यू नो कम्युनिटीज आर अनविलिंग टू कम फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग ड्यू टू स्टिग्मा। इस डिजीज के साथ आप देखेंगे कि हम पढ़े लिखे भी होके, हम डॉक्टर होके, पैरामेडिक्स होके, इंजीनियर्स होके, या हम अकाउंटेंट्स होके, हम आप देखेंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भी कई तरीके के लोग हैं, पर इस डिजीज से एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। बेसिकली अभी भी हमारी कई सोसाइटीज है जिन्हों की पैरामेडिक वर्कर्स को या डॉक्टर्स को जब वो ड्यूटी करके आए उन्होंने आने से मना कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज वेयर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अगर खुद जागरूक होगी तो आगे जागरूकता फैलाएगी। सो इसमें एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो मैप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन विद द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स ताकि वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की भागीदारी बन जाएगी कि हमारे पास में अस्पताल में वो मदद कर सकें कि हमारे पास में पीपी किट्स उपलब्ध हैं कि नहीं है, सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग सेंटर्स वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एंड गवर्नमेंट कैन कोऑर्डिनेट विद द टेस्टर्स टू प्रोवाइड, जो टेस्टिंग भी करते हैं उनको क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है, ये भी इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बन जाती है करके। तो हम आप देखेंगे कि हम कई तरीके से इसमें हम अपनी मदद कर सकते हैं। और एक और रोल मॉडल, जबकि ये आज का ऑर्डर आने से पहले जो ये आया था कि अब हम कोई इन्फेक्टेड है तो उसको 5 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रखेंगे, पर पहले ये था कि अभी तक हम यही फॉलो कर रहे थे कि जिसको कि सिम्टम्स नहीं है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ही जागरूक होके उनकी देखभाल कर सकती है, ताकि आम आदमी को भी आज अस्पताल में जाने से डर लगता है कि हम और जाके बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। और ये जरूरी भी है कि घर का वातावरण जो है, अगर घर में हमारे सुविधा है तो घर का वातावरण एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसमें घर की भी सपोर्ट रहती है, वो बंदा आइसोलेशन में भी रह सकता है। अगर घर में एक कमरे की या रूम की उपलब्धि है, साथ में टॉयलेट भी अटैच्ड है, पर हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक डंडा हो करके। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का कि किस तरह से हम लोगों को समझाएं कि अगर वो इन्फेक्टेड है, एसिम्टोमेटिक है, तो उनको घर में ही रहना है। और अभी ये जो नया रूल आज से आया है, जो कि कल रात से आया, कि जो इन्फेक्टेड है वो 5 दिन तक हमारे आइसोलेशन सेंटर्स में रहेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए हैं, ये इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली बेसिकली क्योंकि हमने एक समझदार नागरिक होने का फर्ज अब तक नहीं निभाया है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज में जहाँ की हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, अभी तक हमने उनका इस्तेमाल किया है और अभी तक हमने उनको बोला है
कि आप हमें COVID-19 एपिडेमिक में मदद कीजिए, जो कि गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वारंटाइन यूजिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। पे कोई मुश्किल नहीं है कि बेसिकली हम उनको GIS मैपिंग भी कर सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड है, इच्छा तो सबकी होती बाहर जाने की, परंतु हमें ये देखना है कि मेरी वजह से आज कोई दूसरा तो इन्फेक्ट नहीं होता, तो ये जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। और दूसरे जो हमारे कंटेनमेंट जोन में जहां पर कि गवर्नमेंट ने उस एरिया को कार्डोन किया हुआ है, यानी कि सरकारी उस नियम के अनुसार उस एरिया में जहां पे केसेस आ रहे हैं उस एरिया को हम 28 दिन के लिए हम कार्डोन ऑफ कर देते हैं। पहले तो हमने ये बनाया था कि एरिया हमारा 5 किलोमीटर का होगा, उसके बाद हम 3 किलोमीटर वाला एरिया भी सुपरवाइज करेंगे, परंतु ये वास्तव में संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने अब एरियाज को बहुत छोटा छोटा कर दिया है, पर इम्पॉर्टेंट रोल अभी भी हम देखते हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ये देखता है कि हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जहां पे है वहां पे इन्फोर्स हो, एंड आदमियों की यानी कि लोगों की मूवमेंट के ऊपर भी नजर रखी जाए ताकि हम डिजीज ट्रांसमिशन को रोक सके। नाउ दूसरी चीज आपने ये भी ख्याल रखनी है कि इसमें रिस्क में कौन है। रिस्क में ज्यादा वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि 65 साल से ऊपर के हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज यानी कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, यानी कि या क्रॉनिक किडनी डिजीजेस है, वो इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा रिस्क पे हैं, और हमारे 5 साल से छोटे बच्चे। तो इनको तो हम अभी भी कहते हैं कि आप घर में रहिए और बेसिकली आप सेफ डिस्टेंसिंग का प्रयोग घर में भी करिए, और जो भी कोई बाहर से आता है वो भी ये प्रिकॉशंस ले कि मेरे घर में अगर बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं तो मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस घर में भी लूं। दूसरा ये है कि अल्टीमेटली हमने ये भी देखा है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेवारी इससे भी ज्यादा उन्होंने निभाई है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मोबिलाइज किया है फॉर जहां पे भी लॉकडाउन हुआ है या जहां पे भी हमारे ये कंटेनमेंट जोन बने हैं, इन प्रोविजन ऑफ असेंशियल रिटेल सप्लाईज एंड असेंशियल्स, क्योंकि घर तो चलना है, जिंदगी भी चलनी है। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो अल्टीमेटली एंड वी हैव टू रिज्यूम आवर बिजनेसेस आल्सो, बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी दैट कि जो हमारे लोग केसेस एंड ऑल उनका एरिया कॉर्डन ऑफ हो गया है तो वो किसी तरह से स्टिग्मेटाइज ना हो। हम ये ना आज कहें, क्योंकि आमतौर पर आज भी मैं अस्पताल जाती हूँ तो पहली न्यूज होती है आपको पता है वो फराने को इन्फेक्शन हो गया, आप उस कमरे में मत जाइए, आप इसको वो मत कीजिए। तो यहाँ पे जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिसका कि मैं बहुत ज्यादा अभाव देखती हूँ। एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैव इवन अटेम्प्टेड टू केटर टू रेजिडेंट्स आउटसाइड देयर लोकेलिटीज ऑल्सो। ये भी कई कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने ये रोल निभाया है कि अगर वो एरिया उनके बाहर भी है तो वहां पे भी जाके उन्होंने लोगों की मदद की है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड रेगुलरली and clearly through resident welfare associations and about their duties, responsibilities and remittance. So that is important part. Another important thing is fighting stigma and discrimination, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है कि individual families may not volunteer to test if selected due to fear of isolation or stigma. यहाँ पे हम डरते हैं कि अगर हम testing के लिए गए तो हमें isolate कर दिया जाएगा, हमारे घर के बाहर एक पर्ची चिपका दी जाएगी कि ये घर क्वारंटाइन में है और ना तो हमारे से कोई बात करेगा और ना ही फिर हम भी अपने आप को पीछे हटा लेंगे। तो यहाँ पे जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस कैन फाइंड पॉजिटिव प्लेसेस टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड गिव देम ऑल्सो काउंसलिंग, और उनका मोरल भी वो ज्यादा ऊपर रखे। देन गिवन देयर टाइज टू द कम्युनिटीज दे कैन स्पीक टू द मेंबर्स एंड फैमिलीज फॉर इंश्योरिंग कोऑपरेशन। If there are instances of positive cases, RWS can also self-monitor कि isolation or quarantine उनका strictly follow हो रहा है according to the rules. They have the authority to make decisions that may not appeal to the individuals, but क्योंकि हर एक individual के लिए उसको लगेगा मेरे पर सख्ती बरती जा रही है, परंतु society के larger interest को देखते हुए ये इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और ये सबको मान्य भी होना चाहिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि टाइम टू टाइम पे जो उनको नियम बताएगा कि ये सरकारी नियम है। अगर मैं आप
एग्जाम्पल देना चाहूँ कि बेसिकली अगर आप देखें कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई जिला या कोई एरिया, हर एक एरिया में एक अर्बन एरिया होता है, यानी कि शहरी इलाका, एक ग्रामीण इलाका होता है और स्लम इलाका होता है बेसिकली। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स या गेटेड सोसाइटीज बहुत कॉमनली है, तो हमारे पेशेंट्स जो हैं कई तरीके के हो सकते हैं। नंबर वन, जैसे कि हमने बताया कि वो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं या कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट विद कोरोना। तो अल्टीमेटली जो है उनको हम आइडियली उनको घर पे रहने दे सकते हैं और एज पर रूल्स इन आइसोलेशन विद कॉशन। एज पर रूल्स का मतलब है जैसे कि सरकार अब जान ये लेके आई है रूल कि हमें 5 दिन तक उनको अस्पताल में ले जाना, हो सकता है परसों ये रूल बदल जाए, परंतु हमें देख जाए कि एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स जो हैं वो घर में प्रिकॉशन के साथ में स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके घर में रह सकते हैं विद कोप। इसमें RWS का भी बहुत अहम रोल है कि टाइम टू टाइम वो घर में फोन करे कि वो आदमी अपने कमरे में ही है और वो अपना बाथरूम इस्तेमाल कर रहा है, घर के बाकी लोग केवल उसकी बाहर से मदद कर रहे हैं और उसके संपर्क में नहीं आ रहे। टाइप टू वो है जो कि सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं जिनको कि ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। तो अगर हम सोसाइटी में ही कोई जगह बना देते हैं, यानी कि आइसोलेशन एरिया क्रिएट कर देते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में जाने की बजाय वो उसी कैंपस में रह सकते हैं। और इसके लिए हमें पैरामेडिक स्टाफ, कुछ वॉलंटियर्स वगैरह की जरूरत होगी जो कि RWA की मदद से हो सकती है। अभी पिछले 2-3 दिन में ही मैं एक सोसाइटी से बात कर रही थी तो कहते मैडम कैसे होगा, कहाँ से हम पैरामेडिक्स लेंगे, किस तरह से हमारी मदद होगी। तो पहले तो खुद ही बहुत डरे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा ये प्रॉब्लम कल को वो मेरे और आपको भी आ सकती है। तो इसी तरह से हमने ये सोचना है कि जो हमारे में से आज कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित हुआ है वो कल को कोई और भी हो सकता है। सो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए जागरूकता लाना। तीसरा जो है, ऑल सेक्टर्स हैव कम्युनिटी सेंटर्स एंड ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स हैव क्लब्स और एम्प्टी टावर्स। तो आप अभी देखेंगे थोड़े दिन पहले एक टाटास ने अपनी पूरी बिल्डिंग, ये मैं लगातार कई बार ट्वीट भी करती रही हूँ कि व्हाई नॉट हमारे बिल्डर्स जो है हमारे टावर्स कुछ समय के लिए दे दे जिनको कि हम आइसोलेशन फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि उनमें जो है अपार्टमेंट्स में बेडरूम्स होते हैं जिनके साथ में टॉयलेट्स अटैच्ड हैं। सो ये अभी मैं देख रही थी कि 2-3 दिन पहले ही टाटाज ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि जब ट्रेन्स को हम आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम इन जगहों को बना सकते। और ऑल्सो आप ये भी देखेंगे हम इससे अगर आगे जाएं तो बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में हम 10 बेड्स भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। एंड इस एरिया में कोई ज्यादा फ्रिल्स की जरूरत नहीं है, हमें केवल बिस्तर लगाने हैं, पल्स ऑक्सीमीटर जो कि करीबन 3,000 रुपए का आता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, थर्मामीटर और कुछ दवाइयां जैसे लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन या पैरासिटामोल जिसको कि आप क्रोसिन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिंक, डॉक्सीसाइक्लिन। ऑफ कोर्स ये सोसाइटी का लिंकेज जो है वो डॉक्टर के साथ में करना चाहिए और डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध भी होते हैं। और आजकल तो इवन प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बहुत बड़ी लीड ली है कि वो डॉक्टर्स को भी उपलब्ध करा रहे हैं। एंड फूड एंड वाटर विल बी अवेलेबल फ्रॉम होम क्योंकि वो उसी सोसाइटी में होंगे। एंड हाउसकीपिंग शुड बी डन अलॉन्ग विद, यू नो, वी शुड ऑल्सो अरेंज विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑल्सो। जो वहां पे देखभाल करेंगे तो हमने ये भी देखना है कि उनका भी बचाव होना जरूरत है। तो अगर एक बार इंसान सिक हो जाता है दैट मींस ही नीड्स प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन, देन ही शुड बी शिफ्टेड टू टाइप 3। दैट मींस अगर वो ज्यादा बीमार है तो उसको अस्पताल में जाने की जरूरत है और वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल बहुत डरता है अस्पताल में जाने का। यहाँ पे भी क्योंकि उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत है या हाई फ्रिक्वेंसी नेजल कैनुला या वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत है तो उसको अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेवारी ये आ जाती है कि वो फैमिलीज को समझाए कि वहां पे क्यों इसका जाना जरूरी है। नॉर्मली ये देखा गया है कि 7 to 8 ऑन डे 7 and 8 फ्यू पेशेंट्स दे बिकम सिक, दे उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। एंड एनीवे दीज पेशेंट्स आर ऑन ऑक्सीजन फ्रॉम टाइप 2 फैसिलिटी। सो अगर वो ऑक्सीजन पे हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हमने जागरूक कर दिया है कि ऑक्सीजन आज की डेट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इससे हम
बहुत ज्यादा वर्कलोड अस्पताल पे कम कर सकते हैं, और वो मरीज जो अस्पताल में भी पहुंचेगा वो बहुत एकदम से सीरियस स्थिति में नहीं पहुंचेगा अगर हमने जो है उसको ऑक्सीजन रेगुलरली दे दी है। तो इसमें जो है हमारी कम्युनिटी कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद हेल्थ केयर वर्कर्स। All these measures are possible with strong resident welfare associations, societies, along with corporate social responsibilities. कुछ हमारे critical areas हैं जिसमें तवज्जो देने की जरूरत है। Families are very touchy about the disease. ये हम सब जानते हैं, हम सब भी बहुत touchy हैं। So थोड़ा सा smallest symptom भी होता है, कई बार दूसरे में भी आता है, वो insist करते हैं कि हमारा admission हो जाए अस्पताल में। तो यहाँ पे resident welfare associations का बहुत important role है। Resident welfare associations, they should understand and support the administration. वो हस्पताल चाहे वो government sector का है, चाहे वो private sector का है, उसकी भी आप वो limitations को समझें। और जो doctor सलाह देते हैं या paramedic सलाह देते हैं, उनको वो आप regularly उनको follow up हो, और जागरूकता आप अपनी association के members में भी फैलाएं, और time to time आप meetings भी करें। यहाँ पे मैं बहुत सा एक उदाहरण देना चाहूंगी, अब धीरे धीरे सोसाइटीज आ रही हैं आगे कि हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेनिंग दी जाए वगैरह। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जागरूकता को बताता है। डॉक्टर्स, नर्सेस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स कैन सपोर्ट एंड दे आर ऑलरेडी सपोर्टिंग। एवरी सेक्टर हैज मेनी डॉक्टर्स, दे अलॉन्ग विद वॉलंटियर्स कैन प्ले अ वाइटल रोल। रिमेम्बर, डॉक्टर अकेला या पैरामेडिक अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारा साथ ही हमारा सबसे बड़ा, यू कैन से कि दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ये हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो ओनली हियर ओनली एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलिंग गवर्नमेंट कैन मेक ए गाइडलाइन एंड मेक दिस डूएबल। सो हमारी आरडब्ल्यू गवर्नमेंट तो केवल गाइडलाइन बना देगी, पर हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या हमारी जो एनजीओस हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्यू एरियाज टू स्टार्ट विद। देन अगर हम ये सारे इनिशिएटिव्स फॉलो करेंगे तो RWAs विल प्ले वेरी पॉजिटिव रोल इन इंपावरिंग पीपल। इंपावरिंग पीपल कैसे, उनका ना कि केवल मोरल को हाई करेंगे, उनको करेक्ट नॉलेज भी देंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएंगे, उनको हाइजीन के बारे में बताएंगे, उनको स्वच्छ भारत के बारे में बताएंगे, और कोई लक्षण के बारे में भी जागरूकता कराएंगे। और अगर वो खुद नहीं कर सकते तो असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ volunteer doctors are also available who can go and give them correct information. Even our paramedics are very much informed today and they can be, you know, they are being trained also, so wo bhi bata sakte hain. But ultimately mera aisa ki manna hai ki home option is the best option. RWAs can bring back hospitals and healthcare near the home in COVID scenario where already healthcare facilities are overburdened. RWAs can act as one of the strongest pillar to combat the current pandemic. सबसे important मजबूत कड़ी है वो। Government and community can be connected easily in all issues related to COVID-19 because together we fight and together we are safe from the pandemic. Thank you so much. Thank you, Dr. Sunila. एक्चुअली मैं नहीं समझता था कि आपने इतनी मेहनत की है इस लेक्चर को बनाने में, बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग यू टू स्पीक ऑन कोविड फॉर आई थिंक लास्ट टू मंथ्स, एंड नेचुरली दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स स्पेसिफिकली फॉर द आरडब्ल्यूए। आई थिंक आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक ऑल आरडब्ल्यूए विल रिमेंबर यू द वे यू हैव प्रेजेंटेड योर केस। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। नाउ आई थिंक डॉक्टर संजीव सिंह के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाट इज द चैलेंज टू डॉक्टर संजीव सिंह, दैट यू नाउ ही हैज टू फाइंड आउट व्हाट इज नॉट कवर्ड एंड ही हैज टू स्पीक ऑन दोज फ्यू एरियाज, बिकॉज डॉक्टर सुनीला हैज ऑलरेडी मेड हिज जॉब और योर जॉब वेरी इजी, शी हैज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवर्ड। सो डॉक्टर संजीव सिंह, कैन यू कम इन? आई ऑल्सो वेलकम टू डॉक्टर संजीव सिंह। ये स्क्रीन को कम करिए डॉक्टर सुनीला की स्क्रीन। यस या डॉक्टर संजीव सिंह, आर यू लिसनिंग मी? या वेलकम फ्रॉम डबल हेल्थर। या ही इज देयर। थैंक यू अमरेश जी। ही विल हैव समथिंग ऑलवेज मोर टू ऐड, आई नो दैट ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट। थैंक यू डॉक्टर सुनीला, दैट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन।
I thoroughly enjoyed it. Amresh ji, thank you very much. Thank you, Giridhar Gyani ji. So, ये हमारे कुछ डेट्स हैं, अगर आप इनको, हम इसीलिए बताना चाहते हैं कि 30th जनवरी को पहला केस आया, उसके बाद आप देखें किस तरह से एक्सपोनेंशियली हम केस बढ़ते जा रहे हैं. तो इस ये घबराहट की चीज नहीं है. हमने टेस्टिंग ज्यादा करी, लोगों में जागरूकता ज्यादा थी, उनको उनको बीमारी का पता था और वो सेंटर में गए. लेकिन मार्च से 1 लाख, उसके बाद लेस देन 1 मंथ हम 1 लाख और बढ़ गए और उसके करीब 10-15 दिन में हम, तो हमारी अगर इस तरह से केस बढ़ रहे हैं तो ये वायरस केवल 5 जगह से हमारे बॉडी के अंदर घुस सकता है. 2 आंखें, 2 नाक, और एक ही नाक है, 2 नॉस्ट्रल और 1 मुंह से. और ये वायरस बाहर केवल नाक और मुंह से आ सकता है. तो जैसे हमारी कई धारणा होती है कि क्या ये स्किन से आता है, क्या ये ब्लड में भी है, क्या ये यूरिन में भी है, तो क्या हम बाथरूम शेयर कर रहे हैं. तो अभी फिलहाल हमको ये ही प्रोटेक्ट करना है और इसी के लिए वॉशिंग ऑफ हैंड्स, क्योंकि हम हाथ बार बार हाथ यहाँ इस एरिया में लेके आते हैं, मास्क को टच करते हैं, मास्क पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना केवल इधर से ही उभर करके आता है और अभी ये केवल ह्यूमन के अंदर. तो हम इस चेन को तभी ब्रेक कर पाएंगे जब हम इसका खास ध्यान रखेंगे. फॉर्चुनेटली ये वायरस थोड़ा सा बड़ा वायरस है. इस बड़े वायरस के होने के चक्कर में जैसे ही आप खांसते हैं ये वायरस थोड़ी देर के अंदर जमीन पे गिर पड़ता है. और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर ये हल्का होता तो एयर में रहता और एयर से फैलने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा होती और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते. हालांकि मैं ये थोड़ा सा साइंटिफिक और साइंस बेस्ड है, लेकिन मैं ये शेयर आप लोगों के साथ इसीलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर हम देखें मृत्यु दर, इस बीमारी से मृत्यु दर कितना है, पिछले इन्फेक्शन जो हमने अपने ही लाइफ टाइम में देखे होंगे वो बहुत ज्यादा थे और कोविड का बहुत कम है. इन्फेक्शन, संक्रमण फैलने की जो गुंजाइश है, अगर हम देखें बाकी इन्फेक्शन में, इबोला और सब में बहुत ज्यादा था, इसमें बहुत कम है. तो मैं इसलिए ये स्लाइड इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैं अभी सवेरे ही एक वेबिनार कर रहा था बहुत सीनियर ऑफिसर्स के साथ, और वेबिनार करने से पहले वो जब कनेक्ट करने से पहले वो आपस में ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे अरे हमारे बगल में 4 केसेस आ गए और हमारे इस सोसाइटी में भी 4 केसेस आ गए. तो ये जो डॉक्टर सुनीला ने भी बताया कि ये हमें स्टिग्मेटाइज करने की जरूरत नहीं है. इससे संक्रमण जो हम बता रहे हैं और मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है. अब जैसे ये फैलता, अगर एक इन्फेक्शन 3 जगहों में है तो हमें करना क्या है, तो वही जो बार बार कहा जाता है, आपको हाथ धोना है, आपको छींकना ढंग से है, कोई भी जो हाई टच सरफेस है, आपका डोर नॉब है, आपका मोबाइल फोन है, उसको ना टच करें. आपके घर में बहुत अच्छा सा वेंटिलेशन रखें, तो आपके डोर और विंडोर सब खुले हुए होने चाहिए. हमें क्राउडिंग नहीं करनी है और हमें जितना ज्यादा हो सके घर से ही काम करना है. और अगर हम हल्का सा भी बीमार हों तो हम अपने आप को घर पे रखें. अगर हम ये रखेंगे तो जो हम कहते हैं एक बंदा जो है 3 जनों को इन्फेक्ट करता है वो नहीं होगा और ये बीमारी अपने आप रुकेगी. हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये कई सरफेसेस में रहता है, तो इसीलिए अगर हम बाहर जा करके घर पे आते हैं, अगर हमारा जो बदन है या अपने कपड़े हैं किसी से टच हुए हुए हैं तो हम ये इतने दिन वायरस रहता है, इसीलिए हमें इस पे नजर देना बहुत जरूरी है और उस पे असर करना जरूरी है. अब हर समय ये स्पैनिश फ्लू का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये करीब 100 साल पहले हुआ था और 100 साल पहले भी हम वही काम कर रहे थे, स्कूल बंद कर रहे थे, बोल रहे थे अपना ध्यान रखें, मास्क पहन रहे थे और वहां पे भी हमारे मृत्यु हो रहे थे. तो वो तब भी हो रहे हैं, 100 साल बाद हम सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं. तो इसमें हमें बस बहुत ही सिंपल है, यही काम करना है. अब ये स्लाइड में इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी स्पेनिश फ्लू हुआ था
और अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी स्पैनिश फ्लू है। तो ये जितने जो अमीरियत नहीं देखती, आपका डॉक्टर है और नॉन डॉक्टर हो वो नहीं देखता, आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जी ने बताया कि हम इसमें थोड़ा सा लाइट और दें कि हमें करना क्या है। तो ये बीमारी में फीवर है। अब बहुत लोगों का प्रश्न ये है कि अगर हमें फीवर है तो क्या हम जांच कराएं, क्या हमें कोविड हो गया, तो वो चीज नहीं है। फीवर के साथ एक और सिम्टम होना जरूरी है और वो है या तो हमें कॉफ हो या हमें सांस लेने में तकलीफ हो। फीवर के साथ अगर हमें एक और सिम्टम है, 2 से 3 दिन परसिस्ट करता है, हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दो चीज और अभी जुड़ी हैं, अगर हमें स्मेल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, टेस्ट करने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। काफी हद तक ये जो हमें अक्सर जैसे अगर अभी हमारे पास 1.3 बिलियन लोग हैं तो 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स सालाना हमें फ्लू होता है और ये काफी हद तक बीमारी उसी से मैच करती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ज्ञानी ने बताया इसलिए मैंने अभी ये स्लाइड ऐड किया है। अगर हम बहुत 83% केसेस में हमें माइल्ड है और आप नजर अगर इसमें दौड़ाएंगे तो ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो भी हम एंटीवायरल देते हैं और ये दवा देते हैं वो केवल सीरियस केसेस में हम देते हैं, और सीरियस केस में अगर हमें सांस की तकलीफ ज्यादा हो रही है जो कि अक्सर 16 होता है और हमें सांस की दर 24 बढ़ गई हो और हमें जो सैचुरेशन है थोड़ा कम हो गया हो, तो ये दो ही कारण हैं जहां पे हमें घबराने की बात है और तुरंत अस्पताल में आने की बात है। अस्पताल के अंदर भी केवल हम बुखार, खांसी, जुखाम ये ही ट्रीट कर रहे होंगे अंटिल अनलेस वो बहुत सीरियस है। अगर सीरियस है तो हमें और भी दवा की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सुनीला ने ये पहले ही कवर कर दिया, आइसोलेशन अगर हम बीमार हैं तो कहते हैं, अगर बीमार नहीं है और इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, हमें क्वारंटीन करना होगा और इसीलिए हमें टेम्परेचर और सोशल डिस्टेंसिंग ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अब ये केरला में, अब हमारा अस्पताल केरला में है, क्या केरला ने कुछ अच्छा काम किया है? केरला में जैसे ही कोई पॉजिटिव होता है वो रिवर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करके बता देते हैं, लेकिन कोई भी लोग वेट नहीं करते कि ये ऐलान करने के लिए कि मैं उससे इस पॉजिटिव केस से मिला था। जैसे ही ये मैप सोशल मीडिया में या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है वो बताते हैं मैं इस केस में इस टाइम पे लंच में था या मैं ढाबे पे था या मैं टैक्सी के अंदर इसमें था और मेरा भी जांच होना चाहिए। ये क्योंकि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए क्वारंटीन ज्यादा है, इसीलिए वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। कई चीज पूछते हैं क्या हमें जूते पहनने से क्या वायरस फैल सकता है? आंसर इज नो, जूते पहनने से कोई वायरस नहीं फैलता। कई लोगों ने बोला ये बैक्टीरिया है क्या, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रूवन है ये वायरस है और अब वायरोलॉजी लैब में वायरस ग्रो भी हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि क्या हम मास्क पहने तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और क्या वही कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार अंदर लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत होगी? उससे दिक्कत नहीं होगी। सदियों से डॉक्टर ये सर्जन मास्क पहन करके 18-18 घंटे की सर्जरी करते आ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे संडे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अल्कोहल से वायरस किल हो जाएगा, नहीं। थर्मल स्कैनिंग बोलते हैं कि बिल्कुल बेकार है, थर्मल स्कैनिंग बहुत बढ़िया चीज है प्रोवाइडेड आपका स्कैनर ठीक हो। कोई ड्रग अभी तक है नहीं। पेपर काली नमक से क्या किल होगा? आंसर इज नो। कुछ लोग बोलते हैं हमें चेंबर खरीद लेते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, तो वो चेंबर जहां पे हम ब्लीच इंजेक्ट करें या हवा की फेंकें, ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे और नुकसान हो सकता है। कुछ बोलते हैं कि हम सूरज में क्या 25 डिग्री पे खड़े हो जाएं, कुछ तो ये आंसर इज नो। कुछ बोलते हैं कि अगर हम अपनी सांस 10 सेकेंड तक रोक लें तो क्या हमें कोविड है? आंसर इज नो, क्योंकि फीवर प्लस ड्राई कॉफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही है। गर्म मौसम में कोविड नहीं होता। अब आपको खुद पता है कि जून के महीने में भी हमारे पास कितने केसेस हैं,
और अल्ट्रा वॉयलेट रेज क्या किल करती हैं, तो ए और बी नहीं करती, सी करती है। लेकिन वो अब हमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में क्या देखना है कि जितनी ज्यादा हम अनलॉक करते हैं उतना ज्यादा हम अब हमारा जो है जो सीरियसनेस है वो हम लूज करते हैं। तो जितना हम डेंसिटी, जितने हम ज्यादा नजदीक आते हैं, केस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। 909 स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी में है वो, उनके केसेस कम हैं, जो ज्यादा डेंसिटी में उसके केसेस ज्यादा हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमें ये करनी है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करें। एज को हमको नजर रखना है, क्योंकि जितने भी 65 एंड अबव हैं, और हर बहुत ज्यादा हमें बताते हैं कि केवल सांस की तकलीफ, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज है, सांस की तकलीफ है, कैंसर है, सबको एज के साथ, इन कोमॉर्बिडिटीज के साथ हों, उनको ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर सुनीला ने ये ऑर्डर के बारे में बताया है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 3% मास्क से इन्फेक्शन पर डे कम कर पाएंगे, और इसीलिए मास्क हर जने के पास 3 से 4 मास्क होने चाहिए, जिसको हम रोटेट करें और उसको अच्छी तरह से सुखाएं। जहां पे भी आप काम करने से जाना चाहते हैं, प्लीज आप अनाउंस करें कि आपकी तबीयत खराब है और आप घर पे रहना चाहते हैं, उससे काफी लोगों का भला होगा। कहीं जाते भी हैं तो अल्टरनेट सेटिंग में जाएं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जितनी ज्यादा हम अपने आप को डिसइंफेक्ट कर सकें, हाई टच सरफेस को छोड़ सकें, कैंटीन में विजिटर्स को जितना नहीं बुला पाएं उतना ज्यादा है, रेस्ट रूम को हम क्लीन करें, हमारे शोल्डर से या पांव से हम दरवाजे को खोलें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हम जितना स्टेयर केस लें वो ज्यादा बेहतर है, और जितना हम नॉब्स और लिफ्ट को नहीं न छुएं वो ज्यादा बेहतर है। घर हम वापस आए तो अपने कपड़े को 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉश करें, वॉशिंग मशीन नहीं है तो ब्लीच करें 30 मिनट तक, और उसको सूरज की रोशनी में सुखाएं। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम मेड सर्वेंट्स को अलाउ करें। मेरा बस ये मानना है कि जितने भी 65 एंड अबव हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, बहुत ज्यादा कॉशियसली आप इसको देखें कि मेड सर्वेंट को अगर हम 24 आवर्स अपने घर पे रख सकते हैं तो बेहतर है। रोज आना जाना हम उसको अवॉइड करना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट स्लाइड है। हमें अपनी मेंटल वेलबींग के लिए भी ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, आपस में बात करें, हमारे खुद के लिए एक टाइम हो, दूसरों के लिए भी हम टाइम दें, हमारी गिल्ट कम हो इसलिए हम दूसरों का भला करने के लिए थोड़ी सी चैरिटी भी करें, और जितना भी हम अवॉइड कर सकते हैं फेक न्यूज को उतना अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर ज्ञानी एंड अमरेश जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर सुनील, आई रियली एंजॉयड योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत वंडरफुल। आई थिंक मैं ये देख रहा हूँ कि यू नो आई डोंट थिंक द टू एक्सपर्ट्स हैड स्पोकन टू ईच अदर, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आई कुड नॉट सी अ सिंगल स्लाइड व्हिच वाज ओवरलैपिंग। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी, यू नो दैट इट हैज गॉन सो वेल, आई थिंक वंडरफुली वेल, आई थिंक आई एम सो हैप्पी। तो अभी हमारे पास वी हैव हाफ एन आवर, सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर गौरव, आई थिंक हाउ यू हैव अंडरस्टूड that how the home health or home care is pertinent in this COVID era. Aapne ye bhi dekha ki kai limitation laga di hai abhi government ne, you know, so you have to explain to us under those limitations what services you can give to the community, specifically to the RWAs. Aur agar hame koi aisa center yahan banana pada 4 bed ka, usme agar thoda sa aap andaaza bata sake finance ka bhi, वायरस को तो पूरी तरह से डिसेक्ट कर दिया एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड, राइट। सो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है बिकॉज डॉक्टर सुनीला ने बहुत क्लियरली बताया कि L2 फैसिलिटी को कैसे घर आप अपने RW में बना सकते हैं, कब मॉडरेट सिम्टम्स है, जब आप सिवियर सिम्टम्स में जाते हैं तो कब हॉस्पिटल जाना है ताकि लोड कम हो। सो मैं अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आई एम स्टिल नॉट दैट सीनियर एंड वेल नोन इन दिस वेरी वेरी रेवर्ड कम्युनिटी। मेरा नाम गौरव टुकराल है। बाय ट्रेनिंग आई एम DNB मेडिसिन। मैंने अपनी फेलोशिप इंटेंसिव केयर में की है।
मैं फोर्टिस के साथ था 10 साल के लिए एंड इन माय लास्ट जॉब मैं फोर्टिस के लिए हॉस्पिटल चला रहा था, उनका फैसिलिटी डायरेक्टर था। 2012 में हमने हेल्थ केयर एट होम शुरू किया दिल्ली एनसीआर में ही, जो कि डाबर के प्रमोटर जो है बर्मन उनका और हेल्थ केयर एट होम यूके का जॉइंट वेंचर है। और ये अब पिछले 7.5 साल से हम पूरे इंडिया में चला रहे हैं विद आर ऑफिसेज इन एनसीआर, चंडीगढ़, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता। और हम क्या करते हैं, हम कोविड से पहले घर में हॉस्पिटल्स बनाते थे, आईसीयू सेटअप्स करते थे, जहां पे कि हॉस्पिटल में लोगों को आईसीयू में ज्यादा देर तक ना रहना पड़े ताकि उनको ज्यादा इन्फेक्शंस नहीं हो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, तो हम उनको घर लाते थे। हम होम रिहैबिलिटेशन करते थे जहां हम हाई आउटकम बेस्ड फिजियोथेरेपी इन ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इन स्ट्रोक, इन पल्मोनोलॉजी, ये सब करते थे। और तीसरा हम होम कैंसर थेरेपीज और होम डायलिसिस, ये हमारा फोर्टे था। लेकिन जब कोविड आए तो सब कुछ चेंज हो गया। ओवरनाइट लोगों को समझ में आना लग गया कि हॉस्पिटल नहीं जाना है। पहले गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को बोला कि नहीं, आप अपने नॉन कोविड बेड्स को नहीं भरो, बिकॉज वी नीड कैपेसिटीज। हॉस्पिटल दिल्ली में स्पेशली 30% पे चले गए, जहां पे बहुत ज्यादा नीड आई कि घर पे इंजेक्शन लगाना है, कोई बुजुर्ग है उनकी केयर करनी है, मेरे को सिर्फ सिंपली लग रहा है कि मुझे डायरिया हो गया है, ये सारी नीड्स बढ़ी। और उसके बाद जो नीड्स बढ़नी शुरू हुई वो इस चीज की बढ़नी शुरू हुई कि कीमोथेरेपी लगवाने जाना था लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ लॉकडाउन के कारण, या मैं हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ, डायलिसिस के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजों में जब नीड बढ़ती गई तो हम पहले तो नॉन कोविड पेशेंट्स को ही ज्यादा कर पा रहे थे, लेकिन पिछले एक महीने से जब दिल्ली में रोज अब 2,000-2,200 पेशेंट बढ़ने लग गए हैं तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। उस स्ट्रक्चर के अंदर as we say that necessity is the mother of invention, I think the best thing जो गवर्नमेंट ने करी है वो ये करी है कि टेली हेल्थ को गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया, गाइडलाइंस निकाल दी, और हम अपने आईसीयू एट होम सेटअप में जो पिछले 4 साल से ई आईसीयू रन करते थे उसी फैसिलिटी को हमने और एम्पलीफाई किया। और आज हम पूरे 24 घंटे टेली कंसल्टेशंस का एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां टेली हेल्थ गाइडलाइंस के साथ आप 24 घंटे कभी भी कॉल करके एक एमबीबीएस डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं 15 मिनट के अंदर। और अगर आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक एक फिक्स्ड अपॉइंटमेंट में हम आपकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात कराते हैं। अगर आपको एक आईसीयू डॉक्टर से बात करना है तो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में हम आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात करा पा रहे हैं, बिकॉज हम लोग पहले से ही आईसीयू एट होम को चला रहे थे। सो एक ये सुविधा हमने शुरू करी है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने लिख तो, अब हम तो पहले तो मेरे को डर लग रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, ओपीडी नहीं जाना चाहता, तो चलो मेरे पास एक सुविधा हो गई कि मैंने फोन उठा के डॉक्टर से बात करी। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, अब उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने ये भी लिख दिया कि मुझे लगता है कि आपको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। तो अब मैं कहां जाऊं कोविड का टेस्ट कराने के लिए? क्या हॉस्पिटल के अंदर जाऊं जहां ऑलरेडी ज्यादा कोविड के पेशेंट हैं, या लैब में जाऊं? तो हमने परसों तक, जब तक कि कोविड के रेट्स एकदम से स्लैश नहीं हुए थे, तब तक हम घर में होम सैंपल कलेक्शन भी पूरे एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में हम लोग ये होम सैंपल कलेक्शन भी कर रहे थे। उसके बाद जब होम सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम लोगों को रिपोर्ट भेजते हैं तो उसमें लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार मैं पॉजिटिव कैसे हो गया। देयर इज सो मच डिनायल इन पीपल कि मैं, बाकी सब हो सकते हैं, लाइक मैडम ने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, हर बंदा ये सोचता है कि मुझे नहीं हो सकता, बाकी किसी को भी हो सकता है। तो जब खुद को होता है तो सबसे पहले चिंता ये होती, चला यार मुझे नहीं, मेरी फैमिली को ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स को ना हो जाए। तो इस सब में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल एंजाइटी होती है, ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है, अपने आप को कैसे आइसोलेट करें। तो यहाँ हमने गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी दिल्ली की 10 मई को, उसके बेसिस पे होम आइसोलेशन प्रोग्राम बनाया। होम आइसोलेशन प्रोग्राम जो है वो 17 दिन का प्रोग्राम है, टोटली रिमोट मॉनिटर्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपकी एक डॉक्टर से ऑनबोर्डिंग कॉल कराते हैं जिसमें सब कुछ बताते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो अगर आप इस प्रोग्राम को देखें जिसकी जो 17 दिन का प्रोग्राम है, और मात्र ये एक बहुत मैच्योर प्रोग्राम है, लेकिन जो ये मात्र 3100 रुपए का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर, सॉरी जस्ट अ सेक, इस प्रोग्राम के अंदर 17 दिन में हम सबसे पहले दिन ऑनबोर्डिंग कॉल करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आपको डॉक्टर को कॉल करना है, आपको
जो आपका केयरर है उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपको डिसइंफेक्शन कैसे करना है, आपको अपने आप के वाइटल्स कैसे मॉनिटर करने हैं, फॉर एग्जांपल कैसे थर्मामीटर लगाना है, कैसे पल्स रेट देखना है, कैसे SpO2 मीटर लगाना चाहिए, अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, घर में बाकी लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो ये आधे घंटे की एक कॉल होती है। उसके बाद हम पहले हफ्ते के अंदर डॉक्टर से एक कंसल्ट कराते हैं, एक डाइटिशियन की कंसल्ट कराते हैं जो कि ये समझाती है क्या खाना है, कैसे खाना है, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, और एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की भी कॉल कराते हैं जो ये बताते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी और लो होती है। इसके बाद एवरी डे एक नर्स कॉल करके, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के होम आइसोलेशन प्रोग्राम में भी है, एक नर्स कॉल करके आपके वाइटल्स और सिम्टम्स के डेविएशन को चेक करता है। इसके अलावा आपके पास 24 घंटे एक हेल्पलाइन है जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो ये समझने के लिए कि मुझे कुछ हो रहा है तो मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। तो वो सारी सुविधाएं हमने होम आइसोलेशन प्रोग्राम में हमने बनाई थी, जो कि कल रात तक हम इस प्रोग्राम को चला रहे थे। आज सुबह एक नया ऑर्डर आया है कि पहले 5 दिन आपको स्टेट फैसिलिटी में जाना है, फिर होम आइसोलेशन पे जा सकते हैं। तो जब तक इसको समझने में एक आधा दिन और लगेगा, लेकिन अभी तक हम दिल्ली NCR में 500 के करीब पेशेंट्स को इस होम आइसोलेशन प्रोग्राम पे चला रहे हैं, जो कि जैसे डॉक्टर ज्ञानी ने बताया ये मात्र 3100 रुपए 17 दिन के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। और ये प्रोग्राम हम फोर्टिस के साथ भी चला रहे हैं और 20 और हॉस्पिटल के साथ भी चला रहे हैं जिनमें उनके डॉक्टर भी साथ में इन्वॉल्व है। सो ये होम आइसोलेशन है। लेकिन जैसे डॉक्टर सुलीला ने कहा कि जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे आर एट हाई रिस्क। और अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आप सिम्टोमेटिक हो और आपकी सैचुरेशन 94 से लेकर 90 के बीच में, यानी कि 95 से नीचे आ गई, और आपका सांस लेने की रफ्तार 24 या 24 से ऊपर चला गया प्रति मिनट, तो आप मॉडरेट में आ जाते हो जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो पिछले 10 दिन में हमारे पास इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आई है कि क्या आप घर पे ऑक्सीजन दे सकते हैं, जहां पे लोग ये नहीं समझते कि आप एक कॉन्सेंट्रेटर कौन सा रखना चाहिए, आपको सिलेंडर कौन सा रखना चाहिए, उस सिलेंडर को यूज कैसे करेंगे। लोग बोलते हैं सिलेंडर दे दो, सिलेंडर के साथ अगर आप एल्यूमिनियम का सिलेंडर ले रहे हैं तो आपको ह्यूमिडिफायर चाहिए, आपको एक ट्रॉली चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सकें, आपको उसका गॉज कैसे करना है, उसकी चेकलिस्ट क्या है, ये सारी ट्रेनिंग्स करने की जरूरत पड़ती है। मार्केट में इतने सारे कॉन्सेंट्रेटर आ गए हैं कि यही पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अच्छा कॉन्सेंट्रेटर है और उसे कैसे यूज करना है। तो इस सबके बीच में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज बहुत RWO से आती हैं कि क्या आप हमारी RWO के अंदर एक आइसोलेशन फैसिलिटी बना देंगे। हम जब आपको पूछते हैं कि आइसोलेशन फैसिलिटी का क्या करेंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा तो वहां मैनेज करेंगे, बट दैट इज नॉट द रोल ऑफ आइसोलेशन फैसिलिटी। आइसोलेशन फैसिलिटी का रोल ये है कि जब कोई इंसान घर में माइल्डली सिम्टोमैटिक से मॉडरेट हो रहा है तो दिस कैन एक्ट एज अ ब्रिज विद ऑल ऑक्सीजन सप्लाई एंड एवरीथिंग टिल यू गेट टू अ हॉस्पिटल। सो व्हाट वी रिकमेंड इन दिस केस इज दैट यू शुड हैव अ बेड, यू शुड हैव एटलीस्ट अ कॉन्सेंट्रेटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटर में ऑक्सीजन बनती रहती है, उसको रिफिल नहीं करना पड़ता है। आपके पास बड़े 45 लीटर के सिलेंडर होने चाहिए ताकि हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हाई फ्लो दे सकें, पर आपके पास पोर्टेबल 10 लीटर के भी सिलेंडर्स होने चाहिए ताकि अगर एम्बुलेंस नहीं मिले तो आप अपनी गाड़ी में ही डाल के पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी सिर्फ एसिम्टोमैटिक और माइल्डली सिम्टोमैटिक पेशेंट्स के ट्रीटमेंट की ही बात करती है। अगर मैं सेटअप को अगर सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये फैसिलिटी कुछ इस तरीके की दिखती है। ये फैसिलिटी हमने मुंबई के एक RWO में बनाई थी जहां पे हम कॉन्सेंट्रेटर बेड, ये 2 बेड से लेकर 10 बेड तक हो सकता है। इसके केस में साथ में जैसे मैंने बताया आपके पास बड़े जंबो सिलेंडर और एल्यूमिनियम के पोर्टेबल सिलेंडर्स भी होने चाहिए। ये एक सेटअप की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ऑन परचेज 3-3.5 लाख रुपए की आती है, जो कि RWO अपने फंड से या लोगों से कलेक्टिवली कर सकता है। इसके अलावा इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये नहीं आता है कि हम ये करें क्यों, ये क्या होगा, सबसे बड़ा आता है कि RWO लीगल लायबिलिटी कैसे लेगी अगर कुछ हो गया तो। और यहां पे मेरा ये कहना आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लीगल लायबिलिटी इज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग इट फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर पीपल, but people have to understand that they are voluntarily consenting to come into that facility as a life saving measure and a bridge to the hospital.
लोग ये चाहते हैं कि आप फैसिलिटी बना दो, उसके बाद आप तो हमारी इंश्योरेंस हो गए, हमारे यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ होगा तो फिर आप देख लेना, हमें हॉस्पिटल में बेड भी दिला देना. नाउ दीज थिंग्स इन दीज सर्कमस्टेंसेस आर नॉट पॉसिबल. नोबडी कैन गारंटी अ बेड इन द हॉस्पिटल. व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू हियर, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसान ऑक्सीजन की वजह से जो कि डिटेरियरेट हो जाते हैं, साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, एकदम से आपकी सैचुरेशन 94 से 90 से 80 जा सकती है, उसको हम एक ट्रेंड फैसिलिटी में, एक वेल इक्विप्ड फैसिलिटी में उतना टाइम दे सकें ताकि वो हॉस्पिटल ऑन ऑक्सीजन पहुंच जाए. और दूसरा, बिकॉज बीइंग ऑन द प्रोग्राम जहां पे आपको रेगुलरली 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है, आपके अर्ली वार्निंग साइन से आपको हॉस्पिटल भेजा जा सके ताकि आप लेट नहीं हो जाओ, ताकि हम एक जिंदगी को बचा सके. हमने एक और तरीके से हम इसको कर रहे हैं कि टेलीकंसल्टेशन, होम आइसोलेशन और ऑक्सीजन के बेसिस पे ही हम लोग एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जहां पर फैमिली इन द RWA कैन पे अराउंड 5,000 to 7,000 रुपीज अ मंथ, एंड देन दे गेट अ मिनिमम नंबर ऑफ कंसल्टेशंस, दे गेट अ मिनिमम नंबर ऑफ सेटअप्स एंड ऑल दीस थिंग्स व्हिच कैन बी कुक्ड इनटू इट. सो मैं आज ये बताना चाह रहा था कि हेल्थ केयर एट होम जो कि पिछले 8 साल से है, जो घर पे हॉस्पिटल्स बनाना चाह रहा था, आज के टाइम पे डॉक्टर टेली कंसल्टेशन कर रहा है, टेस्टिंग की फैसिलिटेशन कर रहा है, होम आइसोलेशन प्रोग्राम चला रहा है और आइसोलेशन फैसिलिटीज को भी बना रहा है. इसके अलावा नॉन कोविड पेशेंट्स में होम कीमोथेरेपीज, होम पेरिटोनियल डायलिसिस, इंजेक्शंस, कैथेटराइजेशंस, ड्रेसिंग्स, एडल्ट वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें हम घर पे जो एल्डरली की केयर है हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और खुशी की बात यह है कि ICICI लोम्बार्ड ने कल अपने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होम केयर को इंश्योरेंस से भी फंड कर दिया है. एंड द डे इज नॉट फार व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन हैज डन इट, अदर विल आल्सो कॉपी. तो अब इंश्योरेंस भी इन ट्रीटमेंट्स को कोविड के इस टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहा है. मेरे दोनों सीनियर्स ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया ऑन कोविड एंड रोल ऑफ RWA. मैं सिर्फ एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हमारे लोग, हमारे हेल्थ केयर वर्कर सोसाइटीज के अंदर जाते हैं, RWAs के जाते हैं, वो सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, वो है इज्जत और प्यार. उनको अभी स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को हम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बैंगलोर में कोविड पॉजिटिव लोगों को फिजिकली हम घर पे ट्रीट कर रहे हैं. एक कपल है दिल्ली में जो खुद 91 ईयर ओल्ड के हैं, उनकी वाइफ 86 ईयर ओल्ड की है, दोनों ही पॉजिटिव हैं. उनका जो बेटा है वो मेरे नोन है, वो USA में है, और आज उनके लिए वो नर्स ही उनका बच्चा है जिसने उनको इस पूरे आइसोलेशन पीरियड के थ्रू पार कराया है. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि RWAs की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो लोगों को स्पिटिंग यानी कि थूकने से पब्लिक स्पेस में मना करें, और पान और जितने भी पान, गुटखा, इन सब चीजों के सेवन से भी लोगों को मना करें, बिकॉज इससे भी कोरोना फैलता है. सो दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से सर. थैंक यू सो मच. आई थिंक डॉक्टर यू आर रियली कवर्ड नाइसली थिंग्स, यू नो, एंड इस समय यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आल्सो कवर नॉन कोविड केसेस आल्सो, बिकॉज होम हेल्थ नॉन कोविड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. अब हालांकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं पहले एक्टर डॉक्टर राजीव सूद को रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट डॉक्टर become dean of the RML in his own capacity, and I think he can also narrate his own experience and thodi si tips de logon ko, you know, confidence dene ke liye, you know, that how can they win over the corona. Dr. Rajiv Sood. Haan ji, thank you. Can you hear me? Thoda sa zor se boliye, thoda sa. Haan ji, to main aapko sabse pehle to congratulate karta hu is topic pe aapne jo सबको साथ लाए हैं, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो NGO हैं, जो नॉन गवर्नमेंट हैं, और जो हम गवर्नमेंट में कर रहे थे, ये कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से. ये अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा. ये पेंडेमिक है, ये एंडेमिक या एपिडेमिक नहीं है जो हर साल हम डील करते हैं हॉस्पिटल्स में. मैं शुरू करूंगा, जब मैं ये कोरोना के बारे में हमारे मैसेज आया हॉस्पिटल के अंदर, मेरे को याद है कि एक पेशेंट आया जनवरी के शुरू में, पेशेंट नहीं था, उसने बोला इनको फीवर है और हम ट्रेवल करके आए हैं. मेरा एटीट्यूड इतना कैजुअल था, मैंने कहा आप इतना क्यों वो कर रहे हैं, कोरोना कहाँ है इंडिया के अंदर, आप लोग ट्रेवल करके आए हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए. और वो चला गया, बड़ी मुश्किल से गया,
वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के रूम तक गया, सब जगह गया कि मेरे को अपना कोरोना टेस्ट कराना है, पर हमने उसको एज हेल्थ केयर वर्कर भी बहुत कैजुअल लिया और बहुत जल्दी हमने देखा क्या हो गया। तो इस तरह से, और मेरे साथ पर्सनली आपने मेरा एक्सपीरियंस बोला, तो सबसे पहले तो मेरी डॉटर की मैरिज थी 9 मार्च को, होली थी, और हम लोग सोच रहे थे कि, और उसके बाद रिसेप्शन थी कोची में, तो शादी तो हो गई, सब कुछ हो गया, और कोची का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। हमको लगा कि ये ओवर रिएक्शन है और हम लोगों ने उसको इतना सीरियसली शायद नहीं लिया, क्योंकि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हम लोग हर साल स्वाइन फ्लू, H1N1, डेंगू, सब कुछ हैंडल करते हैं, और उस टाइम तक तो इतने पेशेंट्स भी नहीं थे, और हम लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। फिर हमारी मीटिंग्स हुई, IMA में हुई, DMA में हुई, और हॉस्पिटल्स में हुई, मिनिस्ट्री में हुई, और ये पता चला कि ये एक ऐसी चीज आ रही है जो बहुत सीरियस हो सकती है, और वो दिन जल्दी आ गया। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, मेरे को इंचार्ज बनाया गया सारी मैन पावर जो कोविड में है, और साथ में उसका मैनेजमेंट, उनका होटल अरेंजमेंट्स, इवन जो हर लेवल के वर्कर, डॉक्टर से लेके नीचे तक, और ये सब हुआ मार्च में, और हम लोगों ने ये सारा मैनेजमेंट शुरू किया। मैं छुट्टी वाले दिन भी जाता था जब लॉकडाउन था, दिन और रात मैंने एज हेल्थ, एक वॉरियर बोलते हैं आप लोग, हम लोगों को सब लोग, पर एक वॉरियर की तरह एक फीलिंग आई कि कुछ करना है। मेरी कोमोर्बिडिटीज थी, मेरे को काफी लोगों ने मना किया, पर मैंने वेंचर किया। मैं डायबिटिक हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ, स्टेंट पड़े हुए हैं 3, और उसके बाद हाइपरटेंशन भी है, मेरे को मेलिग्नेंसी हुई थी, कॉलोनिक रिसेक्शन हुआ, कीमोथेरेपी भी लगी। तो इतना सब होने के बाद भी मैंने कभी भी अपने काम में ये सोचा कि मेरे को तो ये हो ही नहीं सकता, और अपना 2-2.5 महीने तक काम किया। मैं इसमें आपके साथ सिर्फ ये शेयर करूंगा कि ये जो रोज पॉलिसीज चेंज हो रही है, ये डिजास्टर है। जो शाम को सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या इंपॉर्टेंट लोगों को बुला के पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद अगले दिन कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं पॉलिसी, मैं उसी का विक्टिम हुआ। मैं आपको बताऊं कि मैं, हमारे यहाँ पे MTS बोलते हैं, जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, और 2.5 महीने कुछ नहीं हुआ, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी प्रिकॉशंस है ली, और उसके बाद एक रूल आ गया कि अब कोविड वार्ड में जिसकी पोस्टिंग हुई है, जो कोविड पेशेंट्स के साथ, उसको ना तो टेस्ट की जरूरत है ना क्वारंटाइन की जरूरत है। और आपको ये पता होगा जब ये ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर के बाद एक लेडी जो वहां पे पोस्टेड थी कोविड वार्ड में, उसको मेरे साथ जो PN था वो कोविड ड्यूटी पे चला गया, और उसकी जगह उसको पोस्ट कर दिया गया मेरे साथ। और जब उस फाइलों को थोड़ा हमने हैंडल किया, वो साइन के लिए आई, और उसके बाद मेरे को, मेरे PA को, मेरे PN को, ये सबको थोड़े थोड़े सिम्टम्स आए 3 दिन के अंदर। और जब ये सिम्टम्स आए, मैं गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली के अंदर एक एक मेंबर को, अपने सन इन लॉ, अपने डॉटर, सन, सबको ये दे दिया। तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन है कि ये जो एवर चेंजिंग, इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल ब्लंटली कहूंगा, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हम लोग, मैंने बताया अपना ही एटीट्यूड काफी कैजुअल था कि ये हो ही नहीं सकता, या ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, और जब होनी शुरू हुई तो हमको नहीं हो सकता, और जब सारी प्रिकॉशंस भी ले ली, और फिर आ गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज। हमारी प्रॉब्लम यह है कि डिसीजन कौन ले रहा है। हम में से कई डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, और आपको ये मालूम है कि चाहे एंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, या आपका पेंडेमिक हो, पेंडेमिक का भी एक्सपीरियंस है, हमारे पेंडेमिक लॉ बना है, उसको IPC के साथ हमने जोड़ा है, और उसके बाद हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। और अगर हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे 3 महीने पहले, 2 महीने बाद भी, पहले भी नहीं थे, और कल भी नहीं थे, क्योंकि हम रोज अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं, हमको ठीक से नहीं पता है पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल करना है। कई कंट्रीज हैं, मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करता, कई कंट्रीज ने इसको कैजुअल लिया और डिजास्टर्स हुए। अब जहां तक बात है, अभी हमने डिस्कस किया
कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है। मैं भुक्त भोगी हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, मेरे को मेलिग्नेंसी भी हुई है, मेरे को कीमोथेरेपी की 12 साइकिल्स लगी हैं, हर 10 दिन के बाद मैं 3 दिन कीमोथेरेपी लगती थी। पर मैं आपको एक बताऊं, मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, जो ये कोरोना की डिजीज हुई, जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ, इतना मेरे को कभी कभी लाइफ के अंदर जो भी कुछ हुआ, मैंने बताया कि मेरे को काफी एलिमेंट्स हुई, इतना कभी किसी ने नहीं तोड़ा। इसके बाद मेरी वाइफ को भी कोरोना हुआ, मैं लकी था, मेरी वाइफ कहती है हम लकी थे, दोनों को कोरोना हुआ और हम लोग एंटाइटल्ड थे एक सिंगल रूम के लिए, डिलक्स रूम के लिए, पर हमने कहा हमको आप सेमी प्राइवेट दे दीजिए, हमको साथ रहा। वो कहते हैं आपके रूम में सोफा नहीं होगा, आपके रूम में फैसिलिटी, आप तो एंटाइटल्ड है। हमने कहा हमको नहीं चाहिए, अटेंडेंट आप देते नहीं है, मेंटल हेल्थ की अभी बात कर रहे हैं, अटेंडेंट रहेगा भी नहीं, कोई घर वाले भी नहीं आ रहे थे। और आपको ये बताऊं, हॉस्पिटल जो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम है कि जो वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी डरे। जो पीपी किट हैं, जो मैंने देखा अपने 2 हफ्ते के हॉस्पिटल स्टे में, जिसमें मैं काफी सीरियस हो गया था, घर में मेरे नेल्स, मेरी टंग, मेरे होंठ सब नीले हो गए थे। जिस टाइम मेरे को शिफ्ट किया गया, मैं तो सोच रहा था कि होम क्वारंटाइन कर लेंगे, और जब वहां पे गया कोई भी रूम में आने को तैयार नहीं था। GDA बोलते हैं जो लोग थे, वो रूम में आने को तैयार नहीं थे, बहुत मुश्किल से उनको बुलाना पड़ता था। और आज आप टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं, आज सब कुछ पास हो गया, पहले तो टेलीमेडिसिन पनिशेबल है या नहीं है, आज पास हो गया, आज हॉस्पिटल में भी टेलीमेडिसिन चल रही है। सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो वार्ड्स में नहीं जा रहे हैं, वो फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ही बात कर रहे हैं उन लोगों से जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं या नॉलेजेबल है। इस टाइम प्रॉब्लम है सचमुच, मैंने क्योंकि खुद भुगती है, मैं डॉक्टर था, मेरे को नॉलेज थी, मेरे को कौन सी ड्रग मिल रही है, नहीं मिल रही, इसलिए। और जो आप सोचिए, जिन लोगों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनका क्या हो रहा होगा। मेरा ऑक्सीजन 86-87 सैचुरेशन पे चल रहा था, और उस टाइम मेरा कंफ्यूजन था सारा दिन, मेरे को ये पता नहीं मैं सो रहा था या जाग रहा था। तो इस तरह से, और लंग्स में दोनों साइड बाइलेटरल निमोनिया हो गया, अपने को पता चल रहा था कि प्रॉब्लम। वो बेचारे जो मेरे साथ वाले रूम में खांस रहे थे, या एक पेशेंट जो जिससे मैं रात को बात कर रहा था, सुबह उसकी डेथ हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था अपने मेडिकल करियर के एक्सपीरियंस से कि ऐसा भी हो सकता है, और ये इतनी सीरियस बीमारी है। तो इसमें मत जाइए कि मोर्टेलिटी 3% है, 2% है, ये क्या है। मैं आज भी नेगेटिव आने के बाद 10 दिन हो गए हैं, और उसके बाद भी मैं अभी आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा एड्रेनलिन लेवल ज्यादा है, बात करते करते शॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस हो जाती है, चलते गत होता, और 14 दिन के अंदर 8 kg वेट कम हो गया। ये सब चीजें आपकी बॉडी को पूरा तोड़ने वाली हैं। आप एक का एक नाइटमेयर है, आप एक कोविड वॉरियर के बाद होने के बाद, और जब आप ये सब करते हैं, और मैं लकी था कि मेरे को 3rd-4th दिन प्लाज्मा थेरेपी मिली। वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये तो अभी ट्रायल चल रहा है, इसके रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे, पर मेरे को ये लगता है कि अगर पैसिव एंटीबॉडीज मिली हैं, हो सकता है उससे भी कुछ फायदा हुआ हो। और मेरे को एक बार नहीं, 2 बार दी गई प्लाज्मा थेरेपी, और मैनेज की गई किस तरीके से, और सारा कुछ दिया गया जो कुछ दे सकते थे। इवन जो ड्रग आई है 3rd phase ट्रायल के अंदर, रेमडेसिविर जो आ गई है, वो भी अरेंज हो गई थी किस तरीके से, पर ये हर आदमी नहीं कर सकता। और आप अवर्मेक्टिन लेंगे, और डॉक्सीसाइक्लिन लेंगे, या हाइड्रोक्लोरोक्विन लेंगे, और एजिथ्रोमाइसिन लेंगे, ये अभी सब हिट एंड ट्रायल हो रहा है। और उसमें मैंने एक एक करके सारी एंटीबायोटिक्स ले ली, और जो निमोनिया हुआ वो मेरे को ये मालूम है टैजेक्ट और सिफेपाइम से ही ठीक हुआ, और 3rd day काफी इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो जहां तक आने के बाद की बात है, अब मैं आऊं, मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रहा हूं कि मेरा मेंटल हेल्थ क्या थी, मेरा फिजिकल हेल्थ क्या थी, मेरे नाइटमेयर्स क्या थे, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने कैसा फील किया इसके अंदर। और उसके बाद आज मैं वापस आया, और मेरे को बोला गया कि हॉस्पिटल मत जाओ। मैंने सबसे पहले
कोमोरबिडिटीज हैं, आपकी डेफिनेशन में 60 प्लस हैं, पर उसके बाद भी दो चीजें मैंने कीमोथेरेपी के टाइम भी सीखी थी, आप घर पे बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो आपको डिप्रेशन भी होगा, मेंटल हेल्थ भी आपकी सफर करेगी और आप ठीक भी नहीं होंगे जल्दी, लोग आपके साथ सिंपैथी करेंगे, अच्छा आराम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डिस्ट्रेसर रोएंगे फोन के ऊपर, पर अगर आप अपने को चाहे एक घंटे दो घंटे के लिए एक्टिव करते हैं, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है। प्रिकॉशन लेनी है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, ये सब ठीक है। और उसके बाद मैं ये बोलूंगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 60 प्लस है या कोमोरबिडिटी है, पर जो ये पूल इकट्ठा हो रहा है अभी, कोविड इंफेक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, हमारे ये हेल्थ वर्कर 100 से ज्यादा हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, हॉस्पिटल में कोई ऐसी मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है, सीरियसनेस हुई है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो हेल्थ वर्कर जो अफेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ वो नहीं है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैं जब इन्फेक्ट हुआ, मेरे साथ मेरी फैमिली के 6 मेंबर इन्फेक्ट हुए, ये भी आपके हेल्थ वर्कर या हेल्थ वर्कर फैमिलीज का इन्फेक्शन है, और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा पूल बनता जा रहा है। और अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैंने 4 दिन पहले जब वापस ज्वाइन किया और हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, आज तक की नॉलेज यही है कि उनके एंटीबॉडीज बन चुके हैं, और वो लोग थोड़े से अब जो यंग हैं वो फ्रंट में आए, उनकी काउंसलिंग की, उनके साथ मीटिंग की और वो तैयार हो गए, उन लोगों ने डोनेशंस किए हैं, अब वो लोग डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए, हम लोगों ने अभी ये कैंपेन चलाया है, और उसके बाद ये लोग अब फ्रंट में रह के और बाकी लोगों को इससे हिम्मत मिल रही है, जो हमारे हॉस्पिटल रामन और लोहिया हॉस्पिटल में हमने शुरू किया 3-4 दिन से, कि अगर ये लोग आगे आएंगे तो लोगों को, बाकी सारे हेल्थ वर्कर जो आज 3 महीने में टायर्ड हो चुके हैं, वो टायर्ड हो चुके हैं, बार बार पोस्टिंग्स हो रही हैं उनकी, हमारे पास पूल नहीं है, हमारे 30-35% वैकेंसीज हैं जिनको फिल नहीं किया जा रहा, हमको एक्चुअली रिजर्व्स चाहिए, कोविड रिजर्व्स, जैसे कि जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी पोस्ट हैं, उसमें 20% और मैन पावर मिले, क्योंकि आप क्वारंटाइन पे भेज रहे हैं उनको, वो लोग अवेलेबल नहीं है दोबारा पोस्टिंग करने के लिए, हमारी मैन पावर कम हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि सर्विसेज के अंदर लीव रिजर्व होता है, प्रोविजन रिजर्व होता है, डेपुटेशन रिजर्व होता है, आप इसको चाहे कोविड रिजर्व बोलिए या इसको क्वारंटाइन रिजर्व बोलिए, एक स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट है हेल्थ मैन पावर में। और अब आज की डेट में आपको जो आपकी कोविड का जो मैनेजमेंट है, आपकी जो मैन पावर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको क्या चाहिए इसकी मैनेजमेंट के लिए, ड्रग्स तो आपको मालूम है बिल्कुल सिंपल चाहिए, और इस तरीके से हम लोगों ने आप जो कुछ किया है एज एडमिनिस्ट्रेटर से लेके, और अभी रिकवर होने के बाद, पूरा रिकवर नहीं हुए चाहे, पर जो अभी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मैंने आपसे शेयर किया, और अगर आपके पास कोई सुजेशन है तो वो अच्छा है। पर मैं आपको कंक्लूड करते हुए एक बात बता दूं कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट जो हैं वो ऐसे पेंडेमिक को, ना इस पेंडेमिक को ना आगे के पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको बॉडीज डॉक्टर्स की चाहिए, डॉक्टर्स की स्ट्रक्चर्ड बॉडीज चाहिए, जिसमें आपके जिस तरीके से फैमिली फिजिशियन से लेके जो लोग आपकी RDW हो या आपकी कम्युनिटी हेल्थ से जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उससे लेके जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर वो सारे बैठ के अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको टीवी के ऊपर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट नहीं बताएंगे क्या करें, आपको शाम को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को ये लोग नहीं बताएंगे कि आप कल हमने पॉलिसी चेंज कर दी अब ये शुरू कर दो, आपको डॉक्टर्स की बॉडी बताएगी, डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या करना चाहिए, और डॉक्टर्स अगर बताएंगे तो वो, अगर उनको दिया जाता है ये मौका, तो हम इस पेंडेमिक को फेस करने के लिए आज तैयार होते। इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन मेडिकल हेल्थ सर्विस जब थी इंडिपेंडेंस से पहले, जितनी बड़ी इन्वेंशन, जितने ऑपरेशंस इंडिया में उस सर्विस के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे इन्वेंट हुए या करे गए, वैसा का वैसा एटमोसफियर हमको उसके बाद नहीं मिला। पूरा रिफॉर्म्स की जरूरत है, और आगे पेंडेमिक्स आए, कंटिन्यू हो या जो भी हो, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर सूद। एक्चुअली मैं दो बातें कहूंगा कि आपकी जो केस स्टडी है, एक्चुअली वो बहुत इंस्पिरेशनल है,
एक तो आपके साथ इतनी कोमोर्बिडिटी थी, लेकिन आपका क्योंकि वो डिटर्मिनेशन था, एक वो सेवा का भाव है आपके अंदर, आई थिंक दैट हैज ब्रॉट यू बैक, दैट हैज सेव्ड यू, एंड दैट एक्चुअली इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस रिगार्डिंग योर सजेशन, यू नो हाउ द डॉक्टर्स आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज. आई थिंक थिंग्स विल गो इन दैट वे, आई एम श्योर अबाउट इट. नाउ मैं टाइम हमारे पास नहीं है तो मैं पहले अतुल गोयल को रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनट में हमें ये बताएं टाइम में कि एज ए हेड ऑफ द ऊर्जा यू नो आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है अभी तक आरडब्ल्यूए से, और क्या आपकी है राय हमारे मेडिकल कम्युनिटी के लिए हाउ वी शुड यू नो हेल्प आरडब्ल्यूए. बहुत ही संक्षिप्त में बताइए, 5:30 बजे इनका टाइम खत्म होता है अभी. So nice, डॉक्टर साहब. मेरे ख्याल से जितने भी पहले पैनलिस्ट आए हैं सब लोगों ने बड़ा बखूबी, आई थिंक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटा जो वहां पे कवर नहीं हुआ, एंड ऑलमोस्ट अगर डुप्लीकेशन भी नहीं हुआ. एंड आई वेलकम एंड बेसिकली अप्रिशिएट द होल ऑफ दिस जो आज आपने जो ऑर्गेनाइज किया है ये पूरा प्रोसेस जो है. सिर्फ एक ही चीज की मुझे कमी दिखाई दे रही है, जो लास्ट में डॉक्टर सूद ने बोला कि डेफिनेटली पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ये हमारे काम में एक रुकावट की तरह खड़े हो रहे हैं बार बार. और समस्या क्या है कि हमारे पास लोकल लेवल की प्लानिंग नहीं है, लोकल एरिया प्लानिंग नहीं है, जिसको आप बोलते हैं कोहेसिव प्लानिंग ऑफ ए लोकल एरिया, जिसके अंदर हम आरडब्ल्यूएस भी शामिल हो, मेडिकल फ्रेटर्निटीज के मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हो, और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है जहां से बार बार ऑर्डर्स आते हैं, इंटरवेन करते हैं या सपोर्ट आती है, ये सारा का सारा एक सिस्टम जब तक हम लोकल लेवल पे डेवलप नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है, चाहे ये तो अभी पैनडेमिक की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली सीस्मिक जोन 4 के ऊपर खड़ा हुआ है और पिछले 2 महीने में करीब 15 से ज्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं. भगवान ना करें यहाँ पे कोई 6 की स्केल का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा इस शहर का, यू कैन वेरी वेल इमेजिन. एंड ये मैं प्लानिंग सिर्फ ऑन द इस वजह से नहीं बोल रहा कि इस समय हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दिस प्लानिंग आई एम स्टेटिंग फॉर ऑल टाइम्स टू कम इन फ्यूचर. इसके अंदर की एक कोहेसिव फोर्स की तरह हम इकट्ठे हो सके, कंसल्टेशन कर सके आपस में, भले ही वो 2 महीने में एक मीटिंग हो या 1 महीने में एक मीटिंग हो, बट उसकी एक प्लानिंग ऐसी हो कि हम रीच आउट कर सके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रेजिडेंट तक. और वो प्रोसेस जो है, जब तक अगर आज मैं चाहूं कि आरडब्ल्यूएस के थ्रू हर एक रेजिडेंट को मैं एक मैसेज फ्लोट कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है. रीजन कि आरडब्ल्यूएस इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि ये आदमी मुझे सब्सक्रिप्शन दे रहा है, ये आदमी मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा. जो आदमी सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा उसके पास मेरी पहुंच नहीं है, मैंने उसको अपने ग्रुप से कट किया हुआ है. बट इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जहां ह्यूमनली बिहेवियर की जरूरत है, मैं एज ए आरडब्ल्यूए वी कैनॉट एक्ट अदरवाइज. सो हमें एक कोहेसिव मैकेनिज्म की जरूरत है जो फॉर ऑल टाइम्स टू कम शुड बी इन प्लेस, एंड जिसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले बोला, जिसके अंदर लोकल एरिया प्लानिंग इट मे बी एट वार्ड लेवल और इट मे बी एट कॉलोनी लेवल. थैंक यू. नहीं, ये मैसेज आपका हमने नोट किया है. वी आर वर्किंग विद द वेरियस कमिटीज विद द गवर्नमेंट. आई थिंक डॉक्टर अतुल गोयल ये हमारे बैक ऑफ माइंड रहेगी. मैं मेरे पास एक सवाल है जो कि 3 लोगों ने पूछा है. जी डॉक्टर अरुण अग्रवाल को मैं सवाल करता हूँ कि ऑक्सीमीटर हमें घर पे रखना चाहिए क्या? हम सब कुछ ठीक ठाक है, लोग पूछ रहे हैं. एवरीबॉडी सेइंग ऑक्सीमीटर घर में रखो. अब आप ये बताइए कि ऑक्सीमीटर रखना जरूरी है क्या आज के जमाने में? डॉक्टर ज्ञानी धन्यवाद. मैं थोड़ा सा बीच में, मुझे एक और मीटिंग थी, मैं इसलिए चला गया था. मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव. थैंक यू तिवारी जी, और डॉक्टर सुनीला का प्रेजेंटेशन वाज यूनिक. एंड मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी माय फ्रेंड माय कोलीग राजीव बैक इनटू एक्शन. आई सैल्यूट टू यू राजीव, एंड यू हैव गिवन इंस्पिरेशन टू नॉट ओनली डॉक्टर्स बट टू द एंटायर सोसाइटी. क्वेश्चन आपने जो मुझसे पूछा है, उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा आरडब्ल्यूए के लिए, मैं एक ही मेरा मैसेज है कि जैसे कि गांव में पंचायत होती है या गांव में एक गांव एक कुटुंब की तरह काम करता है, ऐसे ही दिल्ली जैसे शहर में आरडब्ल्यूए कुटुंब की तरह काम करे, एक फैमिली की तरह काम करे,
ना कि मैं ये सुनूं अरे मेरे 10 मकान छोड़ के पॉजिटिव माय गॉड मैं उसके साथ चक्कर नहीं लगाऊंगा ये नहीं करूंगा नहीं लेट अस ट्राई टू हेल्प ईच अदर एंड बिलीव मी RWA कैन कोऑर्डिनेट दैट हेल्प. सुनीरा ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज बताई. रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन यस जैसे हम बुखार के लिए थर्मामीटर रखते हैं आज के दिन मैं सोचता हूं कि पल्स ऑक्सीमीटर हैज बिकम नीड हैज बिकम नीड चाहे वो आप घर में रखें या RWA के पोजीशन में कुछ पल्स ऑक्सीमीटर है. ये आज के दिन जो मुझे मालूम चला है 3,000-1,000 का मिल रहा है. पहले सस्ता था लेकिन मार्केट फोर्सेस शायद उसको महंगा कर दिए हैं. यदि हमारे पास लोकल रिसोर्सेज हैं हमारे लोकल GPs हैं लोकल डॉक्टर्स हैं लोकल RWA हैं वो रख लें तो भी ठीक है क्योंकि वो एक इनिशियल वार्निंग देते हैं हमको कि हमारा सिम्टोमेटोलॉजी के साथ क्या लेवल है क्योंकि उसका एक्शन लिंक्ड है. उसका एक्शन लिंक्ड है. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं अभी चाहूंगा कि इस वेबिनार को खत्म करने के लिए आई विल इनवाइट माय एक्सट्रीम कोलीग डॉक्टर विजय अग्रवाल. वो ये बताएं कि कौन सा बिंदु रह गया है और आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए डॉक्टर विजय अग्रवाल. डॉक्टर ज्ञानी प्लीज टू इंटरवीन. This question was from Rudras Saini. He is our participant of today. Hello. It was from Rudras Saini. अच्छा ठीक है. Okay. हाँ. So thank you, Dr. Gyani Tiwari ji. I think it was a very nice webinar. Number one on a very different topic. So. I feel that a lot of things have been covered very nicely, but as you said that my issue is what we have to handle. हमने कहा आपने भी कहा और सुनीला जी ने भी बड़ा अच्छी तरह से बताया कि एक चीज जो आज प्रॉब्लम दे रही है लोगों को वो है फियर. इंडिविजुअल लेवल पे RWA लेवल पे हर लेवल पे फियर इज द वन विच इज ग्रिपिंग अस. द इशू इज दैट what are the things contributing to that fear? And according to me, one of the things that is contributing to the fear is different voices which come either from WhatsApp or from the television or from this or that. And like what Dr. Rajiv Sood also very eloquently put that our this changing policies almost every 24 hours or 12 hours is adding to that confusion. So for a person who is living in an RWA, every household is in a very different state of mind. So one of the things probably needs to be done that every RWA needs to do probably a webinar like this. And I think what they need to do is to identify an expert either within the complex or outside the complex, or even the federation can think of a body of experts who should be briefing every day regarding, you know, whatever is the kind of status. And also to warn people to probably stop watching television news, you know, and to keep on tracking the, if you keep on tracking these numbers, ki aaj ye 3 lakh ho gaye, aaj ye 4 lakh ho gaye, to you are going to go in for depression because ye number to badhne hai. तो क्या है कि नंबर बढ़ने के कारण क्योंकि आप डिप्रेशन में है पॉलिटिशियन ये स्टेप लेता है या टेस्ट कम करा दे नंबर तो अपने आप कम हो जाएंगे. तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं इन क्रिएटिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स. सो द नंबर्स एक्चुअली स्पीकिंग लेट देम इंक्रीज एज ही वाज आइडेंटिफाइड दैट द केस फेटालिटी रेट हैज टू कम डाउन एंड इट विल कम डाउन एज द नंबर्स इंक्रीज. सो I think we have to take some very clear-cut steps to reduce fear in RWA. Also, I feel that sometimes we are telling too many things. If we give too many kind of things for people to follow, nothing is followed. So, can we come down to some brass tacks, boss, follow this and third thing is again has been said that if within the community one household has a problem,
and you are going to lock down the entire RWA or this thing. This is all totally nonsensical in today's date. So I would just say that probably another, I would say, offshoot of this should come out with more, I would say, concrete steps. And I think the home care program of Gaurav Thakuran was also quite, I think, well thought out program. He has been doing it for a long time. So anyway, I compliment all of you for doing this. Thank you. Thank you very much. So I think we end this webinar on this note that this was one of the unique program design. And I think the recording of this will be available, I'm sure. I think everybody can get benefit out of it. And we all collectively, part of the Double Helical magazine, thank the editor, Amresh Kumar, and for this wonderful initiative. And I'm sure many more will follow on the similar topics. Thank you very much. Okay, sir. Thank you, all of you. But please, leaving the spot, please join our Facebook and Double Helical YouTube site. Thanks a lot. Namaskar to all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. कहाँ से छोड़ कैसे यहाँ पर कोने में आता है ना लीव नीचे लीव वेटिंग